नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। द ब्रेकफास्ट शो में आगे बढ़ते हैं और अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, चार जख्मी, पूरे इलाके की घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की हर तरफ निंदा, राहुल गांधी ने बताया कायराना, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने आतंकी हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी ने भी आतंकी हमले को बताया कायराना हरकत, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने शहीद जवान को नमन किया, घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की मांगी दुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में एक जवान शहीद, 9 घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में फरार चल रहे प्रज्वल के पिता हिरासत में, एसआईटी ने सीबीआई से की अपील, प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल से जारी कराया जाए ब्लू कॉर्नर नोटिस। तीसरे दौर के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 12 राज्यों की 95 सीटों पर 7 मई को डाले जाएंगे वोट। आज आगरा में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा देश की राजनीति को ठीक करने के लिए नया प्रधानमंत्री चुनने का समय आया, बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। INDIA गठबंधन में पीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा सभी की बात सुनने वाला प्रधानमंत्री होगा, सभी से एक जैसा बर्ताव करेगा। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, वीडियो जारी कर कहा सरकार में आते ही खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर से की शिकायत, नामांकन पत्र और हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप। बहुजन समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक मीता गौतम कांग्रेस में हुई शामिल, INDIA गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने का दावा किया। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव के साथ किया रोड शो, समाजवादी पार्टी के समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, कहा युवाओं को नहीं मिला रोजगार, राहुल गांधी की जीत का दावा किया। इंदौर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा यह देश अब बाबर अकबर का नहीं बल्कि रघुवर का है, पत्थर फेंकने वालों को दी हद में रहने की हिदायत। फारूख अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं में डर पैदा करने की कोशिश। देश के हिंदुवादी और बीजेपी नेताओं को धमकाने वाले मौलवी सोहेल अबूबकर गिरफ्तार, गुजरात क्राइम ब्रांच ने सूरत से अरेस्ट किया। बाबा बर्फानी की इस साल की पहली तस्वीर आई सामने, माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ पूरे आकार में आ रहे नजर, 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की आज होगी टक्कर, धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच, प्लेइंग 11 में बदलाव संभव।